देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहां पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निकल टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। भट्टू कलां में आप प्रदेश प्रवक्ता मनोज राठी ने कहा, प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त। भट्टू कलां में आप प्रदेश प्रवक्ता मनोज राठी ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बिना रिश्वत के कार्य नहीं करते। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला पार्षद मनोज राठी ने भट्टू कलां में सोमवार को नरेश गोयल के प्रतिष्ठान पर प्रेस वार्ता में को कहा कि संबोधित करते हुए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक मंत्री के घोटाले को वे जल्द ही उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि भट्टू कलां में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिस कारण लोगों के अधिकांश कार्य रुके पड़े हैं। बड़े बड़े अधिकारी ऊपर राजनेताओं को खुश करने के लिए भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए लाखों रुपए की मांग करते हैं, जिस कारण यहां से लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि नौकरियों में भी मेरिट में आधे बेशक लगाए जा रहे हों, मगर आधे लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे हालात यहां बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदार लोगों को शामिल कर भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और यहां से एक कमेटी का गठन भी होगा। इस दौरान यहां के नागरिकों ने उनके सामने अनेक समस्याएं रखी, जिसमें विशेष रूप से HSVP की टूटी सड़कें, चारों तरफ फैली गंदगी, हिसार रोड में पड़े गड्ढे, उप तहसील कार्यालय में टूटे शौचालय व अन्य समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। इस दौरान नरेश गोयल, निरंजन गर्ग, विजेंद्र तापड़िया, भार सिंह जांगड़ा, दिनेश गुप्ता, पूर्व वाइस चेयरमैन पवन डिंगसरा, सतपाल बंसल, पवन शर्मा, भेराराम लाखवान, राजेश, दिलीप माचरा, महेंद्र राठौड़, अजय बंसल, रणजीत सोनी सहित अनेक लोग मौजूद थे। क्या कहा सुने मनोज राठी ने उन्हीं की जुबानी। एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा मैं, दो तीन दिन के अंदर एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। एक मंत्री की चिट्ठी आ रही मेरे पास है और मन ऐसा लगा है कि उसकी कुर्सी जागे जी, उसकी पूरी डिटेल का डर लग रहे। हाँ, चिट्ठी आ रही है, मंत्री का नाम आ रहा है घपले में और वो उजागर करेंगे बड़ा जल्द। देखो मारा एक काम है भाई, इन बीजेपी जेजेपी के नेताओं की पोल पट्टी पाड़ना, इन्हें भट्टू में लगा लो आप। रोड यहाँ नहीं है, कोई सुविधा यहाँ नहीं है भाई, यहाँ का विधायक सुत्ते आगे करा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ उड्डा के अंदर है जी, उड्डा डिपार्टमेंट के अंदर। भट्टू से काफी लोगों ने मेरे तैयार बात बताई है, मारते पांच पांच लाख मांगे उड्डा वाले, वो लाख लाख मांगे जो रुपये दे रहे उड्डा डिपार्टमेंट, उसका काम तो रात ने करवा लिया। और जिसके पास पैसे नहीं है उसकी फाइल उड्डा में धूल कटने लग रही है जी। और ऐसे उदाहरण है हमारे पास कई। मैं प्रदेश की जनता को यह बात बताना चाहूंगा, भट्टू के अंदर ऐसे बहुत पीड़ित लोग हैं जो उड्डा डिपार्टमेंट से परेशान हैं और उड्डा डिपार्टमेंट के मालिक HCS और IAS हैं। भाई इसका मतलब दोनों अफसर भ्रष्ट हैंगे। मन तो लगा है जिस मंत्री के अंडर में वो मंत्री भी पूरा भ्रष्ट है। बोला जी मारा 8,000 करोड़ का घाटा है, अरे पैसे कहां गए? आपने मारता तो दिए नहीं, जनता को तन बांटे नहीं, तो पैसा कहां गया? इसका मतलब ये है कि ये उड्डा अफसर और उड्डा डिपार्टमेंट के मंत्री मिलके खागे रिश्वत खोरी आप चरम